guys, first of all, a warm welcome to GlitzVision USA. Thank you. Rishikesh, you tell me, why are we doing this segment? Avinash was sleeping and I woke him up. Chal, tell you gifts aaye hain. So, you can think that his birthday is aane wala hai. Yes. So, we are doing birthday segment. Kar rahe hain. Okay, so quickly before cutting the cake, any wish you want to give to Avinash? I just want to wish... मैंने कोई पैसा नहीं दिया है। नहीं, but genuinely, मैं इसके लिए हमेशा अच्छा wish करूँगी। और अभी फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही wish है, जो भी gifts है, वो मतलब वो मेरी wish है कि वो मुझे दे दे। और कोई क्या gift देने वाली है तो? हाँ। क्या? इसे मुझे protein का डब्बा मांगा है, बताओ कोई protein का डब्बा मांगता है क्या? Protein का डब्बा तो बता दिया, एक तो मैंने बता दिया क्या चाहिए मैं मैंने चाहिए, प्रोटीन का डब्बा चाहिए, ये सब कौन डिमांड करता है यार मेरे को, जो मन मैंने ऐसा बताया जो मुझे अच्छा लगे। अब देखो मैंने तुमको बता दिया मुझे क्या अच्छा लगेगा गिफ्ट में, दे सकती हूँ तो दे देना। अच्छा चलो लास्टली, अगर आप ऋषिका से कुछ हक से मांग सकते हैं, उन्हें देना ही पड़ेगा, वो क्या चीज होगी जो आपको पता है नॉर्मली तो आपको नहीं देने वाली है, आप बताइए। मेरी जायदाद मांग देखो मेरा चेक चल मेरे को एक दिन शॉपिंग करा देना, मैं जितने की जो जो जितने भी ले लूं सारे। पत्थर रख के दे रहा हूँ पर दे ही दूंगा। कैनल सिंह का सॉन्ग ऋषिका पर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे me, happy birthday to me. you cut. Ooh. इस साल का पहला बर्थडे केक ये ऋषिका को खिला दो, नॉट डाइटिंग आई होप। नो इसको पूछो कंप्लीट डाइटिंग वाली चीज पता है, अविनाश को भी खिला देना इफ ही इज नॉट डाइटिंग। मैं भी कभी नहीं। अच्छा चलो कूल, अपने थोड़ा फैंस को शो कर दो सर। ओके एंड लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस, आप जरा अविनाश की फैंस के लिए कर दीजिए, उनका बर्थडे है तो अविनाश एक साल अपने लाइफ से गवा के और बढ़ा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपना एक साल बढ़ा लिया है। ग्लिस तू एंड डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा रहा मेरा, एंड फैंस का प्यार भी बहुत मिला है, एंड हमेशा आप लोग ऐसा भेजते रहते हैं बर्थडे पे भी, मुझे पता था भेजेंगे, तो थैंक यू सो मच। बर्थडे को हमेशा आप लोग स्पेशल बनाते हैं एंड आप हैं तो हम हैं, थैंक यू। इस साल आपके लाइफ में क्या एक नया चीज है जो अचीव किया है आपने, यू नो लाइक आपने कार? हाँ मैंने इस साल कार लिया है, हाँ तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, खुद की फर्स्ट कार, बहुत ज्यादा फर्स्ट बाइक और फर्स्ट कार हमें, फर्स्ट बाइक, हाँ फर्स्ट बाइक मैंने फर्स्ट शो में ली थी एंड फर्स्ट कार मैंने इस शो में लिया है जो कि इसी साल हुआ है। सो आई गेस ये आप लोग का प्यार है एंड हमेशा पहली चीज बहुत प्यारी होती है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी कुछ अच्छा होगा। वेल लास्ट तीन बर्थडे मैं यहीं पे था मुंबई में एंड इस बर्थडे मैं रायपुर जा रहा हूँ, हाँ फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा इस बार। तो क्या स्पेशल होने वाला है, किस तरह से होगा? मेरे साल मतलब मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी 7th को आती है एंड मेरा बर्थडे 9th को, तो इस बार डैड ने लंबी छुट्टी ले ली है, उन्होंने बोला कि इन केस अगर तू आ रहा है तो मैं लंबी छुट्टी ले लेता हूँ एंड फिर प्लान्स बने एंड मैंने बोला कि नहीं इस साल तो मैं फैमिली के साथ मनाऊंगा, तो हाँ लड़ झगड़ के लेना पड़ा मुझे क्योंकि वो दे नहीं रहे थे, बट मुझे इस बार एकदम शौक था कि मैं घर में जाऊंगा ही जाऊंगा, तो फिर प्लान बना, शेड्यूलिंग हुई वैसे एंड मैं जा रहा हूँ। कूल। अच्छा अभी हम ये जानना चाहते हैं कि बर्थडे आपके लिए इट्स अ रेगुलर डे फॉर यू और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? टू बी ऑनेस्ट इट्स अ रेगुलर डे फॉर मी, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं
मतलब एक साल बर्थडे हो गया, बट बर्थडे इज लाइक मेरी लाइफ का एक साल ओवर हो गया है. तो मैं उसमें यही देखता हूँ कि एक इस एक साल में मैंने क्या अचीव किया, क्या अच्छा चीज़ किया मैंने, लाइक यू नो, बिकॉज फॉर मी लाइफ इज़ लाइक गेनिंग ग्रोथ नॉलेज, ये है. तो मैं पहले था वैसा बहुत ज़्यादा, काम डाउन एंड ऑल. हाँ, कि मैं पार्टीज़ करूँ, ये करूँ, बट अभी धीरे धीरे आई गेस थोड़ा मैच्योरिटी हो गया एंड आई फील कि वो अच्छा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ इस चीज़ को. ओके, व्हाट हैज बीन द बेस्ट बर्थडे यू हैव एवर सेलिब्रेटेड इन योर लाइफ? बचपन के बर्थडेज आई रिमेम्बर, मेरे पास अभी भी वीडियोज़ हैं. हाँ, मतलब वो उस टाइम पे शूट होते थे बर्थडे वीडियोज़. तो मैं एक बर्थडे का देख रहा था, आई गेस 3 साल का था, तो वो वीडियो देखने में आज भी बड़ा अच्छा लगता है. क्या था, कुछ बता सकते हो मुझे? हाँ, डेफिनेटली पूरी गैंग, मेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरे घर पे आते थे एंड मतलब डिफरेंट शेप्स के केक होते थे मेरे लिए, कभी मिक्की माउस, कभी गिटार, तो ऐसा होता था. एंड एक तो ठंड होती थी बहुत ज़्यादा, मतलब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, रायपुर में तो अभी शिफ्ट हो गया हूँ मैं, तो पटना में बहुत ठंड होती थी, तो सब विंटर्स के कपड़े पहन के आते थे, नाना नानी दादा दादी सब ऐसे मफलर्स वगैरह. तो मज़ा आता था यार, पूरी फैमिली एक साथ बैठती थी, जी. इकट्ठा होती थी, तो वो एक अलग फन था. एंड वो 3 साल ऑब्वियसली मैं याद तो नहीं रहेगा, बट अभी वीडियोस देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. ओके, व्हाट हैज बीन द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? दिस इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, जो भी है, बट नाउ यू रिसीव योर फैंस गिफ्ट. नहीं, वो तो बहुत स्पेशल होते हैं फैंस के गिफ्ट्स. वो जैसे मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ को वो इतना अच्छे से बना के देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है. बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई गेस, मैंने अभी एक जगह मेंशन किया था, मैं अराउंड 7 या 8 इतनी एज होगी मेरी. एंड मैंने बहुत बोला था घर में, मुझे एक सूट चाहिए घर में, मतलब मैं सूट पहनूंगा तभी मैं इस साल बर्थडे पे केक काटूंगा. तो मॉम डैड ने सूट बनवाया था स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरे साइज़ के कहाँ बच्चों के साइज़ के सूट बनेंगे, तो मेरे लिए सूट बनवा के उन्होंने दिया था. वो फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं शेयर करूँगा आप लोगों से वो फ़ोटो, अच्छा, ओके, पक्का. कूल. लास्टली हम ये जानना चाहते हैं कि हम 2019 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब 2020 में करेंगे, पर्सनली एंड प्रोफेशनली क्या चीजें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, यू नो, कॉर्पोरेट करना, या फिर जो है बस वैसे ही रहना है तो? नहीं, ऑब्वियसली सब सब चाहते हैं लाइफ में ग्रोथ करें, एंड मेरा हमेशा से यही मानना है कि लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है. आप नॉलेज गेन करो और करियर में उठो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब में. तो आई फील जब So ट्वेंटी professionally, what you want, if to be specific? आई गेस और मोर प्रोजेक्ट्स, डेफिनेटली अगर ये शो भी 2020 तक चले तो वेल एंड गुड, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये नहीं भी रहा तो सम न्यू प्रोजेक्ट बिगर देन दिस. Again, what about personal? पर्सनल लाइफ आई फील कि ग्रोथ हो, लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया मैंने कार ले लिया है ना, तो आई गेस तब तक घर हो जाए मुंबई में अपना. ओके, एंड लास्टली, एनी मैसेज टू योर फैंस जो आपके बर्थडे के लिए उन्हें काउंटडाउन्स करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट यस यस करते यस, हैं डेफिनेटली उनके लिए? डेफिनेटली. हाँ, वेल थैंक यू सो मच गाइस. यू नो, एक अलग फील है, एक अलग फैमिली है वो. घर जाओ और रात को कभी इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक खोलो, एंड उनके मैसेजेस, उनके टैग्स, हम खुद नहीं सोच सकते थे कि वो ऐसा एडिट बना के कभी कुछ हो सकता है वैसा पिक्चर, बट वो इतनी खूबसूरती के साथ, इतने प्यार से वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा. थैंक यू सो मच जितने भी अविनाशियंस हैं वो, जो भी हमारे लिए करते हैं. सो थैंक यू यार. Hi, this is Vrushika Mehta. And hi, this is Avinash Mishra. And you're watching GlitzVision. And you're watching And you're watching us on GlitzVision. And you're watching us on GlitzVision.